नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। कोरोना वायरस को लेकर एक सतारा की महिला वुहान में फंसी है और महिला भारत सरकार से अपील कर रही है कुछ रास्ता निकाले ताकि हम भारत आ सकें। अभी भी भारत के लोग लगभग 150 से अधिक लोग फंसे हैं चीन के वुहान की अगर बात करें तो ऐसा लगता है वुहान में अब कोई नहीं रहता। सड़कें गलियां सब सुनसान सी हो गई हैं, सब कुछ बंद है। कोरोना वायरस का कहर ऐसा बरपा है, लोग सड़कों पर गलियों में यातायात सब बंद है। चीन की सरकार ने लोगों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया है। और जो महिला वुहान में फंसी है उसका नाम अश्विनी पाटिल है। अश्विनी पाटिल का पासपोर्ट यूके एम्बेसी में जमा है। कोरोना वायरस के डर से चीन से इसके पहले लोग भारत आए मगर अश्विनी उस वक्त नहीं आ पाई। अश्विनी के पति पोलैंड के हैं, वहां की सरकार उन्हें ले जा चुकी है। चीन की सरकार का कहना है सी मार्केट हुनन से फैला है ये वायरस और सबसे बड़ी बात 5 दिन का बचा है राशन अश्विनी के पास। सुनिए इस महिला की दुख भरी कहानी। कोई अपने घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये जो वायरस है इंक्यूबेशन पीरियड में भी इन्फेक्शन हो सकता है उसका, तो इसलिए सब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं। और सोसाइटी में आते जाते या फिर सुपरमार्केट में आते जाते हम सबका टेम्परेचर चेक हो रहा है, हम लोग थर्मल स्टेट से गुजर रहे हैं। हर जगह पे हमको बोला गया है कि मास्क पहने बिना मत निकलिएगा और हो सके तो अपने घर में रहिए, जितना हो सके उतना कम बाहर निकलिए। यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है, हालांकि वो चाइनीज में है लेकिन उसका ट्रांसलेशन हमको बताया गया हमारे दोस्तों के जरिए। मेरे घर वाले इंडिया में सतारा में है, मैं इकलौती बेटी हूँ तो ऑफकोर्स दे आर वेरी वरिड फॉर मी। और मेरे हस्बैंड अभी पोलैंड में है, उनके होम कंट्री में जहाँ पे वो अभी क्वारंटाइन है एक छोटे से रूम में। तो उनका अभी चेकअप चल रहा है, भगवान की दया से अभी 2 चेकअप हुए उसमें उनका नेगेटिव था रिजल्ट, लेकिन उनको फिर भी शायद 10-15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़े। और मुझे पता नहीं अभी मैं कब वापस आ पाऊंगी, जब एम्बेसी प्लान करेगी तब। लेकिन रोज हम वीचैट पे बात करने की कोशिश करते हैं और देख के कम से कम एक दूसरे को हमको दिलासा मिलता है कि चलो दूर है लेकिन सुरक्षित। मैं सरकार से यही कहना चाहूंगी कि हम लोग बदनसीब थे कि हम उस टाइम पे नहीं आ सके, लेकिन हमारे लिए एक और इवैक्यूएशन प्लीज प्लान कीजिए। हम 100-150 लोग हैं यहाँ पे और हम सबको वापस आना है। उस वक्त सबकी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, किसी को पता नहीं था या फिर बहुत लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो वो छोड़ के नहीं आ पाए। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए एक और इवैक्यूएशन प्लान करे जल्द से जल्द, तो फिर हमको थोड़ी होप मिल जाएगी कि हम वापस आएंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।